आज की जो संयुक्त मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे मंच पर विराजमान सारे फेडरेशन के सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडरगण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी श्रमिक संगठन के मजदूर साथियों, मैं आप लोग के बीच बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाने से पहले 2014 में उन लोगों ने आप लोग के बीच में जाकर के उन्होंने गंगा का सौगंध लिया था। उन्होंने अपने वक्ताओं में सभी कार्यक्रमों में उन्होंने कहा था कि मैं आया हूं नहीं, मुझे गंगा माई ने बुलाया है। हिंदुओं को उन्होंने प्रभावित करने के लिए उन्होंने गंगा माँ का सौगंध लिया था। और जितने भी नौजवान बेरोजगार था, जिसको नौकरी नहीं था, जो बहु बेटियों जो बेरोजगार था, उसको उन्होंने कहा था कि मैं जो है कि देश में आऊंगा और जितने भी नौजवान है उसको मैं नौकरी देने का काम करूंगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा था कि गंगा माँ का मैं सौगंध लेता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, मैंने चाय बेचने का काम किया, जब मैं देश में सरकार बनाऊंगा तो इस देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह से आह्वान कह कर के जितने भी बीजेपी के लोग हैं, आप लोग को ठगने का काम किया, आप लोग का भ्रमित करने का काम किया और भ्रमित करने के बाद उन्होंने देश में सरकार बनाने का काम किया। मेरे दोस्त, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एफसीआई का मामला है, जहाँ हमने 20 सालों में लगातार सीएलसीएलबी की कमेटी का बोर्ड का मीटिंग रखा गया था, जिसमें सारे फेडरेशन के लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे। ये होने के बाद भारत सरकार ने देश में 89 डिपो एफसीआई का ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दिया था, जिसमें सारे मजदूर को परमानेंट होना चाहिए था। लेकिन हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की ओर से जो हमारे एफसीआई के फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान जो आज भारत सरकार में बैठे हुए हैं, उन्होंने मजदूरों के वोट से, उन्होंने दलित के कोटा से यह सर्वोच्च सदन में आए हैं। आज आपको बता देना चाहता हूँ कि एफसीआई में जो डिपार्टमेंटल वर्कर है, जो परमानेंट वर्कर है, उसको भी 20,000 महीना रिकवरी करके जो है कि आज काट करके जबरदस्ती ये जो है कि अपने खाते में रख रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हुआ है, ये सारे मजदूर जो है कि परमानेंट होगा। लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ, परमानेंट लोगों को भी इन्होंने अपने जगहों से बदल देने का काम किया। जिनकी तनख्वाह 40,000 था, उसमें जो है 15,000-20,000 प्रति माह जो है कि रिकवरी के नाम पर काट रहा है, जबकि उस पैसा का उन्होंने जो है कि इनकम टैक्स भरने का काम किया है। मेरे दोस्तों, ये रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के साथ दे करके जितने भी हमारे एफसीआई के मजदूर हैं, चाहे जितने भी ट्रेड यूनियन में हम हिस्सा हैं, चाहे जितने भी लोग आप लोग को ठगने का काम किया है, ये सारे मजदूर को गला घोटने का काम कर दिया है। नरेंद्र मोदी का साथ देता है, सारे मजदूरों को जो है कि ये पकड़ता है, बलि का बकरा बनाता है और नरेंद्र मोदी से छुरी चलवाने का काम करता है। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, लघुता में कृष्ण सांपों से बहुत बड़ा है, लघुता में कृष्ण सांपों से बहुत बड़ा है, अब मत डोरे विषधर मेरा आसन बहुत का है। जब नाग को श्री कालिदास में घुस करके जो है कि श्री कृष्ण ने नाथ दिया था, इसी तरह आज जो ये जनसलाव है, देश में जितने मजदूर आए हुए हैं, ये जनसलाव नरेंद्र मोदी को उसी तरह से नाथने का काम करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, इन्हीं हाथों में शक्ति दिया है, इन्हीं हाथों में शक्ति दिया है, सर पर तिलक लगाने को तो इन्हीं हाथों में शक्ति दिया है, सर को धड़ से अलग हटाने को। मेरे दोस्तों, आपके पास सारे शक्ति प्रदान है, आप जिसको चाहेंगे जैसा चाहेंगे आप ऐसा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे फेडरेशन के नेताओं को कि आप लोग सारे
ट्रेड यूनियन को, 12 जो है कि महासंघों को आपने इकट्ठा करके आपने जो है कि इतने जो है कि जनसलाव लाने का काम किया है। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और आप लोग से सभी कल कारखाने फैक्ट्री के लोगों से भी यही आह्वान करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को आप लोग जैसे श्री कृष्ण ने कालीनाग को नाथ दिया, उसी तरह से धोखेबाज ये जो है कि मजदूरों के खिलाफ जो है कि नीति करने वाले भ्रष्टाचार नेताओं को आप लोग समाप्त करने का काम करें। मैं नारा लगाता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सारे ट्रेड यूनियन के मजदूर एक हो, सारे मजदूर एक हो। मैं इसी के साथ टाइम का जो है कि ध्यान रखते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।